हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। दोस्तों, इसके पहले जो है मैंने बायोलॉजी और जो है जीके जीएस पढ़ा दिया हूं। बायोलॉजी और जीके का मैंने क्वेश्चन पता सॉल्व करा दिया हूं। आज जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व होगा। केमिस्ट्री में जो है आपका 15 क्वेश्चन पूछेगा और 15 कैसे क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, वो चीज़ें मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको और उसका आंसर भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देखते रहिए कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, इस लेवल की तैयारी आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं और आपका आंसर भी बताते हैं। तो दोस्तों, देखिए 36 नंबर यानी कि सेक्शन सी में जो है ई में जो है आपको केमिस्ट्री पूछा जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन ए में जो है आपका जनरल नॉलेज होता है 10, सेक्शन बी में जो है आपका मैथ होता है 5, और सेक्शन सी में जो है आपको फिजिक्स होता है आपका 5, और जो है सेक्शन डी में जो है आपका बायोलॉजी होता है 15, और जो है सेक्शन ई में जो है दोस्तों आपका 15 केमिस्ट्री होता है। तो दोस्तों, ये सब तो चारों मैंने करा दिया है आपको। एक केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन बाकी था, वो आज इस वीडियो में करा रहा हूँ। आप इससे अनुमान लगे कि आप कितना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। डेकन की प्रक्रिया का उपयोग डैश निर्माण के लिए किया जाता है, यानी दोस्तों डेकन का जो प्रक्रिया है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर, सल्फ्यूरिक अम्ल तत्वों का कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोलिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो है क्लोरीन। तो आपको तो दोस्तों यहाँ बताना है डेकन की प्रक्रिया का उपयोग डैश विनिर्माण के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन जो है आपके यहाँ करेक्ट आंसर होगा 36 का। ये जो है डेकन की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसको सीएल भी कहते हैं संक्षेप में। कभी कभी पूछता है क्लोरीन का संकेत क्या है, तो सीएल, ठीक है। 37 नंबर पूछा है कि तत्व का कौन सा गुण अचर होता है। तो दोस्तों, तत्व का कौन सा गुण अचर होता है, तो आपको दिया है संयोजकता, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान और जो है परमाणु समान द्रव्यमान। तो आपको यहाँ जो है 37 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, 37 का जो है आप आंसर बताएंगे। बाकी सब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 37 आपको कमेंट में बताना है कि क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूंगा कि क्या होगा। 38 नंबर पूछा है दोस्तों कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डेमोक्रिटस या न्यूटन या जॉन डाल्टन या जो है लेबोजियर। तो दोस्तों, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको यहाँ आंसर जो हो जाएगा करेक्ट जॉन डाल्टन जो है आपका परमाणु सिद्धांत दिया था। 39 नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायी है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायी होता है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है विद्युत प्रकाश विद्युत प्रयोग और जो है रदरफोर्ड का अल्फा किरण का प्रकीर्णन का प्रयोग, या जो है कैथोड किरण का विसर्जन ट्यूब का प्रयोग, या मिलिकन का आयल ड्रॉप प्रयोग। तो दोस्तों, यहाँ बता दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्राप्त करने के जानने के लिए जो है आपका जो होता है यहाँ करेक्ट आंसर रदरफोर्ड का अल्फा किरणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 40 नंबर पूछा है क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए, क्लोरोफॉर्म जो है एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ प्रतिक्रिया करके जो बनाता है आपका, ऑप्शन दिया गया है पीरानासी और जो सम मोहक और जो है कीटनाशक और जो है आइसो साइनाइड। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोफॉर्म जो है एसीटोन के साथ प्रक्रिया करके बनाता है आपका कीटनाशक, यहाँ ऑप्शन दिया है, लेकिन कीटनाशक आपका होगा, लेकिन इसमें जो है आपको क्लोरोफॉर्म जो है एसीटोन के साथ अभिक्रिया करता है, तो जानते हैं आप क्या बनता है, कीटनाशक यानी कि क्लोरोटीन बनाता है या कीटनाशक, क्लोरोटीन कहिए या कीटनाशक कहिए, ठीक है। तो क्लोरोटीन भी कह सकते हैं और कीटनाशक भी कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा कीटनाशक, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से कोलबेक की बौद्धिक अवघटनी प्रक्रिया से नहीं है। निम्न में से कौन
कोलबे की वैद्युत अपघटनी प्रक्रिया से नहीं बनता। तो यहाँ आपका हो जाएगा C2H2, C2H3, CH4 और जो है C2H4। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री का यहाँ जो है आपको पूरा डिटेल से तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ आप समझिए कि निम्न में से कौन सा है कोलबे की वैद्युत अपघटनी प्रक्रिया से नहीं बनता है। तो यहाँ जो है आपका मेथेन यानी कि CH4 आंसर हो जाएगा CH4, ठीक है। 42 नंबर आपके क्वेश्चन देखा है कि जलदाही विधि में कॉपर सल्फेट किस रूप में कार्य करता है। तो जलदाही विधि में कॉपर सल्फेट किस रूप में कार्य करता है दोस्तों, तो अपचयी कर्मक या उत्प्रेरक कर्मक या अक्षिकारक कर्मक या जो है जलअपघटन कर्मक। तो आपको यहाँ बताना है जलदाही विधि में कॉपर सल्फेट किस रूप में काम करता है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेरण कर्मक, उत्प्रेरण कर्मक यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, उत्प्रेरण कर्मक। संपर्क लेंस डैश से बने होते हैं। तो संपर्क लेंस क्या चीज से बने हैं, लुसाइट या जो है सिलिकॉन हाइड्रोजन या टेफ्लॉन या जो है पॉलीस्टाइरीन। तो दोस्तों आपको बताना है कि संपर्क लेंस जो है किस चीज से बना होता है। तो आपके यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, सिलिकॉन हाइड्रोजन। 48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी होती है। तो 48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या जो होती है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन यह फॉर्मूला तो मैं सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 48 ग्राम हीलियम के मोल में कितनी संख्याएं होती है। तो दोस्तों आपका 44 का जो आंसर हो जाएगा 12 मोल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 मोल करेक्ट आंसर होगा। 45 में पूछा है और 5 क्वेश्चन है आपके लिए। 45 क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। तो जल शोधन में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो जियोलाइट और जो है एम्बेस्टल और सिलिकॉन और जो है क्वार्ज। दोस्तों यहाँ जो है आपका जल शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो पदार्थ है आपका जियोलाइट है। जियोलाइट कहाँ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, जियोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होता है। तो हाइड्रोजन दोस्तों किसके साथ जुड़ा होता है, निकिल ऑरम यानी कि सोना कैल्शियम या जो है कॉपर। निकिल सोना कैल्शियम या कॉपर। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है आपको डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन आपका कैल्शियम से जुड़ा होता है यानी कि Ca से जुड़ा होता है हाइड्रोजन, ठीक है, कैल्शियम। 47 पूछा, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसमें कौन सा पदार्थ है दोस्तों जो विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। आपका ऑप्शन दिया अब्रक, कचहरा और जो है अदरक और जो है रेंत। तो दोस्तों आपका जो यहाँ आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइका यानी कि अब्रक जो होता है आपका विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का कुचालक होता है अब्रक, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। 48 नंबर पूछा है, एक प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से 18 गुना भारी है, जबकि एक के भी विभवांतर द्वारा त्वरित होता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ जो आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपका एक के ई भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछे इसका आंसर जो होता है एक के ई भी ही होता है। आंशिक दबाव का डाल्टन नियम किस पर लागू नहीं होता है। तो आंशिक दबाव का डाल्टन नियम किस पर लागू नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है NaH3NHCl और जो है N2NO2 और जो है ऑप्शन सी जो है N2NH2 और जो ऑप्शन डी है N2HNHe। तो दोस्तों यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आंशिक दबाव का डाल्टन नियम किस पर लागू नहीं होता, तो ये जो है आपका लागू नहीं होता है आपका NH3 और HCl पे जो है आपका डाल्टन नियम लागू नहीं होता है। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और आपका इस प्रैक्टिस सेट का, ऑक्सीजन के साथ कि एक तत्व या यौगिक के संयोग को डैश कहते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ एक तत्व या यौगिक के संयोग को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या जो है कंबाइनिंग रिएक्शन या जो है आपका संकलन अभिक्रिया और जो है आपका दहन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा करेक्ट आंसर, तो दोस्तों आपको बता दीजिए यहाँ जो है 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण। तो दोस्तों आई होप आपने यहाँ
15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का देगा, और 15 में से यदि आप दोस्तों कम से कम 8 भी क्वेश्चन बनाते हैं तो समझिए कि आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छे लेवल का है और आप अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप इन सब चीज़ों को समझाएंगे। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।